प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप। सब्सक्राइब कीजिए वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है जहीर। दोस्तों मैं बताऊंगा आपको, जैसे आप ब्लेड देख रहे हैं किस तरीके से बांधते हैं कटर मशीन पे। जैसे आपके पास कटर मशीन पुरानी है, बड़ी कटर मशीन है जिसमें 7 इंची ब्लेड लग जाता है, इससे ये जो बड़ी मशीन होती है इससे हमारे बोर्ड, यानी कि बोर्ड, जैसे बोर्ड हो गए 1.5 इंची वाले बोर्ड हो गए, डबल बोर्ड हो गया, तो उसमें काटने के काम आती है ये मशीन हमारी। ये पहले मशीनें चलती थी, अब तो छोटे ब्लेड वाली चल गई हैं, जैसे हमें 1.5 इंच के बोर्ड काटते हैं तो ये पहले चलते थे जो अपना 15-20 साल पहले, उस टाइप की मशीन है ये। तो ये मेरी जो शुरू का मेरा जो स्टार्टिंग का काम था जब मैंने ये मशीन ली थी, तो इसमें जो अपना ये लगाते हैं ब्लेड किस तरीके से लगाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों ये आपको ब्लेड किस तरीके से बांधना, आपको ये देखना है ये आपका जो राइट हैंड की तरफ इस तरीके से होता है ब्लेड, तो इस तरीके से घूमता है, तो इस तरीके से आपको बांधना है। ये जो पेज देख रहे हैं आप इसको पहले खोल लेना, जिसमें अपना जो ब्लेड है आसानी से आ जाए। तो ये आपको जो किस तरीके से बांधना है इसके बारे में बताता हूँ। तो इसमें 7 इंची का ब्लेड लगता है अपना, इसमें 6 इंची का भी लग जाता है, इसमें 5 इंची का ब्लेड लगता नहीं है। ये कटर बड़ा होता है, इसके लिए बड़े ही ब्लेड की ज़रूरत होती है। जैसे आपको दरवाजे काटने, जैसे आपको डबल बोर्ड काटना है उसके लिए होता है ये। जैसे अपना इकट्ठे आपको प्लाई हैं, जैसे 12वीं की प्लाई होती हैं, तो उनको अगर 4 प्लाई को बराबर यानी कि इकट्ठे करके काटना है तो उस तरीके से आप इस मशीन से काट सकते हैं। तो ये आपको ब्लेड का ध्यान रखना होगा किस तरीके से लगाते हैं ये ब्लेड, जैसे लगाते हैं अपना ये जैसे अपना इस तरीके से घूमता है पीछे की साइड से, अगर जैसे आपका पीछे की साइड से घूमता हुआ आगे की तरफ आवे तो इसका दांत है उसी हिसाब से आपको लगाने होते हैं। तो पहले आपको ये लूज़ कर लेना है ये बोल्ट। इसमें पहले जो आते थे कटर तो उसमें ऐसे नट बोल्ट आते थे चुटकी के हिसाब से, इनमें चुटकी होती थी तो इनको ढीला और टाइट करने के लिए ये आता था, इस तरीके सिस्टम पीछे से आता था इसमें बैक में। और अब जो कटर आ रहे हैं उनमें आगे की साइड है, तो उसमें जो अपना लॉक होता है ऊपर को उठाने के बाद अपना लूज होता है, नीचे को दबाने के बाद टाइट हो जाता है, इस तरीके से लॉक आ रहे हैं। आजकल जो नए कटर आ रहे हैं 5 इंची ब्लेड वाले, 7 इंची ब्लेड वाले जो आ रहे हैं वो भी प्लास्टिक की बॉडी में आ रहे हैं, ये सिल्वर बॉडी में आते थे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये बांधना होता, ये देख सकते हैं। तो इसमें जो आपको किस तरीके से ये जो अपना बांधते हैं, जैसे इसमें अपना लूजिंग होती है, जैसे आपका बार सेल की ज़रूरत होती है तो इसमें एक बार सेल भी लगता है, तो इसमें वो जो बार सेल लगता है मैं दिखाता हूँ आपको भी, इसको हम पहले निकाल लेते हैं उसके बाद में आपको इसमें बार्सल का दिखाऊंगा। आपको बार्सल जो लगता है इसमें किस तरीके का लगता है वो बार्सल, या ये देख सकते हैं आप ये बार्सल आता है किस में, ये अपना बार्सल अपने ब्लेड, जैसे हम ब्लेड लेते हैं नया उसके साथ भी आता, नहीं तो आपको ये बार्सल ज़रूरी रखना होता। इसमें जो होता है ये लूजिंग नहीं होगा इसलिए बार्सल होता है। जैसे अपना ये अपने जो कटर होते हैं बड़ी कटर मशीन में लगते हैं, जैसे अपना रंधा मशीन हो गई, कटर मशीन हो गई बड़े, उनमें लगते हैं ये ब्लेड, तो उनके हिसाब से आते हैं, इनके जो बीच वाले जो होल होते हैं उस हिसाब से आते हैं। तो इसलिए आप इसमें एक बार सेल लगाना पड़ता है, इसके हिसाब से छोटा चाहिए साइज, जो होल होता है इसका तो छोटा साइज चाहिए। तो इसमें आप जैसे आप दरवाजे जो मिलाते हो, जैसे अपना फ्लैश डोर हो गया या अपना लकड़ी फ्रेम वाला डोर हो गया, तो उसको भी आसानी से आप मिला सकते हैं इनसे काट के, आपका टाइम भी बचेगा, उसमें बचत भी अपनी होगी और उसमें जैसे लेबर भी वो भी आपकी बचत रहेगी। तो इसमें बड़ी आसानी से आप दरवाजे काट सकते हैं, तो इसलिए ये कटर मशीन होती है बड़ी जो होती है कटर मशीन, तो इनसे इससे जो हम ज़्यादातर दरवाजे ही काटते हैं, क्योंकि बोर्ड में हमें ये 2 बंदों के लिए होता है, भारी होता है, एक बंदा इसकी पट्टी पकड़ कर पैर से दबाता है, एक बंदा इसको चलाता है, तो इसलिए 2 बंदों का काम होता है इसमें। तो दरवाजे जो होते हैं फ्लैश डोर हो गए या अपने बोर्ड वाले या अपने लकड़े फ्रेम वाले हो गए, तो उसमें भी 2 बंदों की ज़रूरत होती है, तो उसमें ये काम आसानी से आता। पहले हम इसे बोर्ड भी काटते, ये लॉक है इसमें, ये लॉक इसको दबा के आप जैसे रखते हैं तो ये टाइट हो जाता है, जैसे आप इसको टाइट करना है तो इसको आसानी से टाइट कर सकते हैं। और इसमें जो टाइट करना है आपको ब्लेड, तो प्रॉपर यानी कि सही तरीके से करना है आपको, यानी कि आपका पक्का टाइट हो जाना चाहिए, फुल टाइट होना चाहिए, इसमें लूजिंग नहीं होनी चाहिए, लूजिंग रहेगा तो वो घूमता रहेगा। उसमें आपने जैसे बोर्ड काटते हैं कील आ जाती है, तो उसमें इस तरीके से आप टाइट करके लगा सकते हैं। इसमें जैसे अपना फ्लैश डोर दरवाजा होता है तो उसमें कील आ जाती है, तो उसमें ये घूमता रहता है, जैसे कील पत्ती आ जाती है फ्लैश डोर दरवाजे में आपने अक्सर देखा होगा। तो इसमें आपको प्रॉपर यानी कि टाइट करना ब्लेड, तो प्रॉपर टाइट होना चाहिए अपना, उसके बाद आप इस तरीके से कस कर चला सकते हैं अपना। तो ये अपना जैसे ब्लेड बन गया है, इसके बाद अपना जैसे दरवाजे काटने हैं आपको तो किस तरीके से काटे हैं, तो इसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आपको बोर्ड का लेबल लेना तो किस तरीके से लेते हैं, जैसे
और अपना इस तरीके से आप इसको टाइट करके, ये हमारा थोड़ा बोल्ट ख़राब है क्योंकि इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, अब कटर मशीन को छोटे कटर मशीन आ गए हैं तो इस वजह से ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो इसमें हमने इसमें पहले भी अपना जैसे ठल का हिसाब है, इसमें जैसे अपना नट बोल्ट वाला सिस्टम बना रखा था। तो मेरे से कुछ सब्सक्राइब भाई, जो मेरे सब्सक्राइब भाई थे, उन्होंने बोला था कि जैसे मैंने एक ठल बनाने का, यानी कि जो वीडियो अपलोड करी थी, पिछली वीडियो जो अपलोड करी थी जिसमें ठल लगाते हैं, कटर की ठल किस तरीके से लगाते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उस पर कमेंट करा था कि ये 10 साल पहले हमने ये लगा चुका है, या आज बता रहा, तो ये ऐसी कोई बात नहीं होती इसमें 10 साल हो या 20 साल हो। वैसे तो मैंने ये 18 साल पहले लगा लिया था ये, तो उसमें ऐसा कुछ ये नहीं है कि इसमें जितने भी भाई हो सकें तो उतने सीख जाए। ऐसी कोई अपना कोई भी, अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है तो आप इसको बता सकते हैं। तो उसमें 2-4 भाई अगर जैसे देखते हैं हमारी वीडियो को, तो इसमें ऐसा है कि वीडियो को देखने के बाद वो कुछ सीख जाए, जिनको नहीं आता वो सीख जाए, जिनको आता है उनके लिए तो कोई नई बड़ी बात है नहीं है। तो इसलिए वीडियो है, आप इसमें आसानी से आप देख सकते हैं तो किस तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं। ये देखा मैंने, आधा इंच की प्लाई काट के देखी थी इसमें। तो अब जैसे आपको डबल बोर्ड काटना है तो ये देख सकते हैं आप, इसमें जो मोटाई होती है वो किस तरीके से हो जाती है। तो इसमें ये देख सकते हैं, ये थोड़े इसके नंबर नहीं दिख रहे, मैं पहले बोर्ड ये नंबर नहीं दिख रहे इसके, मैं बोर्ड लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये जैसे पट्टी है आप देख सकते हैं, तो ये जो पट्टी देख सकते हैं आप इस तरीके से, यानी कि बराबर आ गई। तो ये कितनी चौड़ी है, कितने यानी कि कटिंग लेके चलेगा कटर, आप देख सकते हैं। ये अपना 2 इंची, यानी कि सूत कम 2 इंची है, तो 2 इंची का तो दरवाज़ा होता नहीं है, जो फ्लैट दरवाज़ा होता है 35 mm का होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये देख सकते हैं आप, इसमें सिंगल बोर्ड काट सकते हैं। इसमें ये जो कटर मशीन है, छोटी कटर मशीन है, तो इसमें जो आप काट सकते हैं तो सिंगल ही, यानी कि आप 1.5 इंच का बोर्ड लगा के देख सकते हैं। तो इसमें कितना यानी मोटा कटता है, मैं 1.5 इंच का बोर्ड लगा के दिखाता हूँ आपको। तो इसका दबाने के बाद आप देख सकते हैं, तो इसमें सिर्फ 1.5 इंची का आपका बोर्ड कटता है। ये देख सकते हैं आप, इसमें 1.5 इंची ये कटा, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ही बाहर है बस एक सूत। और आपको जैसे डबल बोर्ड काटने हैं तो आप इस बड़ी मशीन से काट सकते हैं, अगर आपके पास बड़ी मशीन है तो इससे काट सकते हैं। ये देख सकते हैं जैसे आपका ये काटना, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं बराबर प्रॉपर है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक यू फ्रेंड।